मेरा नाम पूजा रानी है, मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दसवीं की छात्रा हूँ। हमारे स्कूल में लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा था, उसमें हमारे प्रधानाचार्य और हमारे अध्यापकों ने हमारा बहुत सहयोग किया और उन्होंने हमें बहुत सारे अच्छे टीचरों को बुलाकर हमें जानकारी दी, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें बताएगी, जैसे कि हमने किसी पीड़ित व्यक्ति या मूर्छित जिसको होश ना आ रहा हो उसको कैसे होश में लाना है। हमें ये बहुत सीखकर बहुत कुछ अच्छा लगा, इसलिए मैं हमारे स्कूल के प्रधानाचार्य और अध्यापकों और जो हमारे सामने आमंत्रित अध्यापक है उनका धन्यवाद। कैथल जिले के गुहला उपमंडल के गांव दाबा के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नव वर्ष के मौके पर जीवन कौशल विकास शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 9वीं और 10वीं की 50 छात्राओं ने हिस्सा लिया। शिविर में रेड क्रॉस के अधिकारियों की ओर से संकट के समय अपनी और दूसरों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई। जिला जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर राजा सिंह झिंझर ने बताया कि हमारी नासमझी और जानकारी के अभाव में मानव जीवन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मानवीय त्रुटियों के कारण ही आज प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और जानलेवा बीमारियों में इजाफा हुआ है। छात्राओं को जीवन रक्षक गुर बताते हुए राजा सिंह झिंझर ने कहा कि दुर्घटना स्थल से सबसे पहले बेहोश व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। बेहोश व्यक्ति की मंद पड़ती सांस और दिल की धड़कन को चालू रखने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने बताया कि बेहोश व्यक्ति को कुछ भी खिलाने या पिलाने की कोशिश जानलेवा साबित हो सकती है। शिविर के तीसरे दिन हमने कुछ साउंड बाइट इकट्ठी की, आइए सुनते हैं। मैं राजा सिंह झिंझर, भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा और जिला शाखा कैथल की ओर से यहाँ पर आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय दाबा में बच्चों को फर्स्ट एड और होम नर्सिंग की ट्रेनिंग देने के लिए और रेडक्रॉस की एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे आया। और इस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो छात्राएं और अध्यापक साथी यहाँ पे भाग ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को जब जीवन रक्षक स्किल के बारे में या बच्चों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने का मुझे अवसर मिला, क्योंकि आज के समय में बच्चों को खासकर समाज के हर वर्ग को ये जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से हम आज विपरीत परिस्थितियों में या दुर्घटनाओं के समय में या प्राकृतिक आपदाओं में अपने जीवन को कैसे सेव कर सकते हैं और साथ में हम दूसरों के जीवन को बचा सकते हैं। भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का ये प्रयास रहा है कि जन जन को जो है जागरूक किया जा सके, ताकि लोग जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और आज के समय में जिस प्रकार से विज्ञान के जो हम गलत प्रयोग कर रहे हैं या विज्ञान के आविष्कारों का मिसयूज हो रहा है और जिससे प्राकृतिक आपदाओं या दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, तो ऐसे समय पर जन जन को जो है प्रशिक्षित होने की जरूरत है, ताकि वो रेड क्रॉस की जो मुहिम है प्राथमिक चिकित्सा सहायता या होम नर्सिंग की, उससे हर व्यक्ति जानकार हो और वो अपने जीवन को बचा सके और दूसरों के जीवन को सेव कर सके। हमारे यहाँ विद्यालय के अंदर 1 तारीख से 5 तक लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा हुआ है, जिसमें 9th और 10th की 50 छात्राएं भाग ले रही हैं, ताकि बच्चों को अदर देन एजुकेशन जीवन से संबंधित जो स्किल है उसके बारे में जानकारी दी जा सके। रेड क्रॉस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने काफी कुछ सीखा। इसमें बच्चों को काफी सारी जानकारी दी गई, जैसे अगर किसी व्यक्ति की घायल हो जाए या किसी सड़क दुर्घटना में उसको बेहोशी हालत में पाया जाए, तो इस तरह से बच्चों को सिखाया गया कि उनका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो इसमें बच्चों ने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया, उन्होंने काफी कुछ सीखने को मिला। हम श्री रेड क्रॉस सोसाइटी आए हुए राजा सिंह झिंझर का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।